हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ट्यूटर चैनल हेलो विक्टिम्स। होगा आज की वीडियो में हम वीएस कोड को अपने विंडो मशीन पे इंस्टॉल करने वाले हैं। तो कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं आप, इस वीडियो में बताऊंगा वर्चुअल स्टूडियो को। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करता हूं, लेकर चलता हूं अपने क्रोम ब्राउजर पे। तो यहां से मैं अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेता हूं। सिंपली आपको यहां पर सिंपली वीएस कोड लिखना है एंड डाउनलोड लिखना है। उसके बाद जो फर्स्ट नंबर का जो वेबसाइट आएगा, देख सकते हैं डाउनलोड वीएस कोड, एंड इस पर हम फर्स्ट वाले लिंक पर क्लिक करेंगे। एंड देख सकते हैं ये आपको विंडो, लिनक्स एंड मैक, डेबियन जैसे सभी प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल है। तो आपको जिस के लिए भी करना है, लिनक्स के लिए, मैक के लिए, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर मैं विंडो पर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर मैं विंडो पर क्लिक कर लेता हूँ। एंड देख सकते हैं कुछ टाइम बाद डायरेक्ट डाउनलोड लिंक का ऑप्शन है, ये डाउनलोड में स्टार्ट हो चुका है मेरे पी सी पे। एंड चलो कंट्रोल जे करके मैं दिखाता हूँ मैं डाउनलोडिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स मेरा डाउनलोडिंग हो रहा है। एंड लगभग मेरा डाउनलोडिंग फिनिश होने वाला है। एंड कई बार ये ऑटोमेटिक डाउनलोड होने के बाद ओपन ऑटोमेटिक हो जाता है, इसको शो फाइल इन फोल्डर करने की जरूरत नहीं पड़ता। देख सकते हैं ये हो चुका ओपन। आई एक्सेप्ट एंड एग्रीमेंट पे मैं क्लिक करके इसको नेक्स्ट कर लेता हूँ। ये हमारा पाथ है वीएस कोड का, माइक्रोसॉफ्ट स्लैश वीएस कोड, ये माइक्रोसॉफ्ट का है। तो एंड नेक्स्ट कर लेते हैं, कोई भी यहाँ छेड़खाड़ नहीं करना है। नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं। एंड यहाँ पर जो ऊपर के जो दो ऑप्शन है उसको भी मैं टिक कर लेता हूँ। एंड क्रिएट ए डेस्कटॉप आइकन का भी मैं क्लिक कर लेता हूँ, क्योंकि मैं इसको ये वाला मेरे को आइकन डेस्कटॉप पे भी मुझे चाहिए। एंड ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है विंडो एक्सप्लोर का, इसको राइट क्लिक करके अब विंडो एक्सप्लोर पर भी इसे खोल सकते हैं। एंड ये मेरा इंस्टॉलेशन लगभग स्टार्ट हो चुका है। तो देख सकते हैं ये मेरा इंस्टॉलेशन कम्प्लीट भी होने वाला है। एंड फिनिश नाउ पे क्लिक करके मैं इसे फिनिश कर लेता हूँ। एंड मैं उसे दैट ओपन के देखता हूँ कि इसमें क्या क्या फंक्शंस हमको मिलते हैं देखने के लिए। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स वीएस कोड भी लगभग मेरा स्टार्ट होना चालू हो चुका है। तो देख सकते हैं यहाँ पर डार्क थीम, लाइट थीम, हाई कंट्रास्ट का ऑप्शन आ रहा है। तो लाइट करेंगे, डार्क करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, लेकिन डार्क बहुत सारे लोगों को पसंद, तो मैं डार्क ही करने वाला हूँ। उसके बाद मैं यहाँ एलिमेंट्स देख लेता हूँ, एक्सटेंशन देख लेता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर पाइथन्स हैं, सी प्लस प्लस है, बहुत सारे एलिमेंट है, लाइव सर्वर्स, मतलब बहुत सारे एक्सटेंशन आपको देखने के लिए यहाँ मिलेंगे। तो आप सबको इंस्टॉल करके आप और बेहतर एक्सपीरियंस ले सकते हैं वीएस कोड का। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, एंड लाइक जरूर करना एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।